Good morning, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biophonic, I welcome you all to today's session. Good morning. How are you doing, my Chunumunus? Good morning, everybody. Welcome to a Tuesday morning NEET 2021 ka crash course on ecosystem needs to be done before we wrap up this unit. कल का जो मैंने स्पेशल लेक्चर लिया था, वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज टू क्रैक नीट इन 3 months, मैंने आपको बताया था दैट इसके बाद वी आर गोइंग टू आल्सो डू बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट. यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हाउ इज द जोश? हाउ आर यू फीलिंग? गुड मॉर्निंग 2021. वन सेकेंड 2021, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू बी कमिंग डाउन हियर. सो हियर इज द चैट, इसको हम कर लेते हैं पॉप आउट. गुड मॉर्निंग 2021, कैसा है? आई होप आप टेंशन नहीं ले रहे हो. जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, वी विल बी द फर्स्ट वन टू गेट द रियल इन्फॉर्मेशन टू यू. डन. आई नो कहना बहुत आसान है यार, टेंशन मतलब ऐसे नहीं होता है. मुझे पता है हैवीली ऑन योर हार्ट बोर्ड एग्जाम्स, कहीं नीट का कैंसिल होगा, स्पेशली जेई सुनने के बाद. यस, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड. Good morning, good morning. Ma'am, my papa is also attending the lecture. Hey, Sushant Giripunje, wish your father good morning from my side. Yuvraj, kaise hain aap? Kartik, Lily, Muskan, Pujita, Vaishnavi, Pran, Krishna, Kushbi, Kushbu. Right, so I know it's very easy to say, tension mat lo, dekha jayega, board exams. I know, 2021, it is very stressful for you. 22 ka to chalo exam hona hai abhi. 23 का एग्जाम होना है, बट इट इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर नीट 2022. यस, 2021, राइट? सो आप प्लीज, ऑल दैट आई कैन से इज चैनलाइज योर एनर्जीज, थिंक अबाउट द एग्जाम, राइट? एंड डोंट वरी. गुड मॉर्निंग. आप याद करिए लास्ट ईयर के बच्चों को, याद करिए पुंगोलू को, याद करिए आप जस्सी को, याद करिए, राइट? यस, मुश्किल जरूर है, बट आई एम श्योर आप लोग, यू विल ऑल डू वेल. सो गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करें. गुड मॉर्निंग. एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, फीलिंग स्ट्रेस्ड? आई नो, आज से मैं कुछ शॉर्ट्स बनाने वाली हूं स्पेशली आप लोगों के लिए, कि यार इस स्ट्रेस्ड माहौल में भी आप लोग कैसे पढ़ सकते हो. सो आई विल ट्राई एंड मेक सम नाइस शॉर्ट्स व्हिच विल रियली मोटिवेट यू ऑल एंड व्हिच इज रियली गोइंग टू बूस्ट यू ऑल, राइट? डन. तो कोई, मैं आपकी यहां भी कॉमेंट्स पढ़ रही हूं. कुछ है, इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, यू वॉन्ट टू से समथिंग, प्लीज पूछ लीजिए. गुड मॉर्निंग अरुणिमा, पूजिता, इको इको. तो इसके बाद में आज कराकर, व्हाट अबाउट सोनम कटियार? सोनम की ना लास्ट टाइम तबियत थोड़ी खराब हो गई थी, एंड आई एम श्योर दिस ईयर शी विल गेट अ सीट वेरी वेरी सून, सो डोंट वरी एट ऑल, राइट? मैम, नीट का क्या होगा बेटा? देखो, पता तो हमें भी नहीं है एंड कि एग्जैक्टली कब होगा एग्जाम, बट जब भी होगा यू गाइस आर गोइंग टू डू वेल, राइट? चंद्रिका, पूजिता, देव प्रसाद, आज देव प्रसाद की मम्मी का बर्थडे है, सो देव प्रसाद जी, आपकी मदर को विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड. यस, चले, स्ट्रेस है, डोंट वरी. गुड मॉर्निंग, वी विल टॉक टू मी. टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए. फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन टेल मी दैट यू आर स्ट्रेस्ड, राइट? एंड वी विल डू दैट. चले आगे, डन है जी, चलते हैं. यस एवरीबॉडी, मैम हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2022. दीपक, मैंने कल परसों में एक लेक्चर प्लान किया है, आई विल लेट यू नो, राइट? हाय देवांजन दत्ता जी, कैसे हैं आप? चलो फिर, डन है. इसको मैंने वापस कर दिया, वहीं पर चला गया, और आज से अपना इकोसिस्टम वाली क्लास स्टार्ट की जाए. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने करके दिखानी है मुझे. फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी नोट्स कॉपी ओपन कर लीजिए. Chali, that's what you have to do. Make sure every one of you is making sure that you're liking, you're sharing, you're subscribing, you're becoming a part of We Biophonic, and most importantly, notes copy open kar lijiye. Iske notes aaj hum khatam kar hi le. Opened, done. Yes, show your support to We Biophonic, your channel, and let's get started. So you know me, my name is Dr. Vani, and I've been teaching for close to 10 years now. And thousands of my students are in the top medical colleges of the country. And now my aim is to take maximum students to the top colleges through YouTube. So let us make sure that the education which is free is one of the best educations and we can take. But main ek cheez hamesha bolti hu guys, your bio is going to be very very sorted. Aisa nahi ho sakta ki aapke bio mein number kat jaye. Bio is going to be very sorted. But sirf ek cheez hai, ek cheez, wo hai aapki physics aur chemistry, and about that I've been telling you so many times. तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा सुपर ऑसम हो जाए. दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू एवरी डे.
10 a.m. for NEET 2021, 5 p.m. for NEET 2023, 11th class का topics. तो जिसकी 11th week है 5 p.m. की class लगा ले, और 12th class NEET 2022. But 2021 आपकी class रोज इतने बजे चलेगी, you should just not get worried. चले आगे बढ़े. Awesome blossom. Guys, make sure breathing and exchange of gases की जो आज क्लास exchange of gases, transport of oxygen वगैरह, वो आज शाम को आप 5 बजे लगा रहे हो. और आज fertilization और implantation कल की क्लास याद है कितनी awesome थी. कल हमने menstruation कर लिया और पांचों के पांचों questions you solve कर लिए 2 सेकंड में. ठीक है, तो चलो आज ecosystem करते हैं. कल क्या आपको एक NTA का test चाहिए? Do you want to give an NTA test tomorrow to find out कि यार मेरा मतलब preparation all full test दे दूं कल एक NTA का? What say? एक एनटीए या एक एम्स का फुल टेस्ट दे दो? यस बेटा, आज के कमेंट सेक्शन में लिख दो. डन? यस, एक बार देखते हैं पढ़कर कि यार अपना फुल सिलेबस की तैयारी कैसे चल रही है. फुल टेस्ट टाइप का एनटीए का देते हैं कल, एंड लेट अस सी दैट. डन डन आर डन राइट. और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे क्रैश कोर्स के. गाइस मेक श्योर दैट आपके पास टेलीग्राम ऐप है, और टेलीग्राम ऐप में आप बायोटॉनिक फॉर नीट ढूंढ कर बायोटॉनिक फॉर नीट के मेंबर बन जाते हो. टेलीग्राम ऐप को अपने फोन नंबर से लिंक कर लेते हो, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी. ये मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड है टेलीग्राम पे, कंपैशन ग्रेटिट्यूड फ्रॉम डॉक्टर वाणी सूद, और वो एंकर ऐप पे. सो यू कैन वेरी वेरी इजीली गेट इन टच विद मी. डन? परफेक्ट. तो जिलेटो विलेटो, चलो आ जाओ आ जाओ. लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में. तो बहुत कुछ एनसीईआरटी से है, तो कट कॉपी पेस्ट होकर बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से. चलो फटाफट लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, यहां से मैंने पिछली क्लास में भी शुरू किया था अगर आपको याद होगा. याद है? यस. हार्ट्स ऑन माई स्क्रीन चुन्नू मुन्नूस. तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कितना कार्बन फिक्स हो रहा है जो हरे प्लांट्स के ऊपर. प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कैन यू सी दीज प्लांट्स? इसमें मैंने पानी में लगाए हुए हैं, दिख रहे हैं? अब ये प्रोडक्टिविटी तो है जो ये नए नए लीव्स बनाते जा रहे हैं. तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? ये जितना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी है इनकी. यस और नो? अगर आप ये देखो, क्या आप इनको, इनमें आपको रूट्स नजर आ रही है? ये रेस्पिरेशन है, ये अपने पास भी तो खर्च कर रहे हैं. कैन यू सी रूट हेयर नजर आ रहे होंगे आपको? देखो, व्हाइट व्हाइट रूट हेयर, यू आर एबल टू सी. मॉन्स्टेरा डेलिकोसा होल है, स्विस चीज प्लांट, वन ऑफ माय फेवरेट्स. ये देखो, स्विस चीज क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि देयर आर होल्स इन द प्लांट, स्विस चीज प्लांट्स, राइट? तो ये अपने में भी तो खर्च कर रहा है. आपको एक ये भी तो नजर आ रहा होगा, ये देखो एक छोटा सा कलम निकल रही है, वन स्मॉल लिटिल बड कमिंग आउट. सो बिकॉज ऑफ दिस, दीज प्लांट्स आर एबल टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी ऑन देमसेल्व्स एज वेल, दैट इज रेस्पिरेशन. But what do they fix when they absorb the atmospheric sunlight? What do they fix? That is referred to as productivity, which is always expressed as gram per year or kilocalorie per meter square per year. It's a very important formula. जितना वो total sunlight लेकर, जितना वो total sunlight लेकर sunlight को fix कर रहे हैं, जो gross primary productivity. जितना वो self पे use कर रहे हैं, अपने लिए भी तो use करेंगे. They will make new buds, they will make new leaves. They will make new roots. They will use for themselves. That is referred to as respiration. Respiration. So always the total gross minus the respiration is going to give you the net primary productivity. What is it going to give you? It's going to give you the net primary productivity. Primary production is expressed in terms of weight, right? Or energy. Energy is kilocalorie per meter square, or weight ki kitna gram hai. Primary productivity, what is the new matter which is added? Is that clear, everybody? Deepak, Panchami, Vaishnavi, new matter which is added. Or net primary productivity kya hai? GPP minus R. R is respiration. R wo hai jo usne apne upar kharch kiya hai, jo apne liye use kiya hai, usse R kehte hai. Understood? Everybody, GPP minus R is equal to NPP. NPP is the available biomass for the consumption of heterotrophs. NPP क्या है? अब अगर ये जो आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, ये जो पत्ते हैं, राइट, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है. इसने अपने ऊपर यूज करना था वो कर. अब इसको जब कोई हर्बीवोर खाएगा, इफ समबडी ईट्स दिस, दैट पर्सन द एनर्जी व्हिच दे गेट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ आउट ऑफ द टोटल रेडिएशंस ऑफ द सन, जस्ट अबाउट 5 to 7% इज यूजफुल फॉर द प्लांट्स टू डू फोटोसिंथेसिस.
Out of the total radiations which reach the earth, just about 5 to 7%, right, Aditri? Thanks, my dear child. Just about 5 to 7% is the most important. Is that clear, everybody? And that is called the photosynthetically active radiation. Just about 5 to 7% of the total sunlight which reaches the earth is important, which is referred to as photosynthetically active radiation. Grazing food chain. Jo open grasslands mein hoti hai, jab gaye ne ghas kha li. That's called the grazing food chain, right? Everybody, jo savannas mein hoti hai, jo tropical grasslands mein hoti hai, grazing. And the, jab bhi koi organism ki death ho jati hai, uske upar jab microorganisms aate hain, aur uski body ko todkar, jo micronutrients unko wapas mitti mein dala jata, that is called the detritus food chain. What is it called? It is called the detritus food chain. Done? Ab NCERT ke examples kar le. Highly important. Prerna, Shreyash, Khushi, Sanj. NCERT ke examples kar le. Highly important. Matlab yaar ye to important hai. Terrestrial ecosystem mein kaun aayega? Forest, grassland, desert, land. Aquatic mein estuary. Estuary mein kaun aata hai? Solanacea, Avicennia, right? Estuary, backwaters, yes, estuary, Sundarbans area, estuary, ponds, lakes, wetlands, rivers, estuary hota hai where the seawater meets the fresh water and oceans, man-made ecosystem, lawn, grass, lawn, gardens, aquariums, crop fields, inme genetic diversity bahut zyada kam hogi. इनमें जेनेटिक्स डाइवर्सिटी बहुत कम होगी, है ना? वाओ स्लाइड एंड खुशी माय डियर, टेक केयर मेरे बच्चे. गाइस, है ना वाओ स्लाइड? सो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग, मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन. प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी है, वो सारे के सारे आपके प्रोड्यूसर्स हैं. Producers हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे producers हैं. Primary consumers कौन हैं? Insect, bird, mammals in the terrestrial ecosystem. Primary consumer है जी आपका ये, right बेटा? बिल्कुल lag नहीं कर रहा है, right? Primary consumer. Insect क्या खाएगा? Insect जो है वो grass खा लेगा, right? Birds क्या खाएंगे? कनक, गेहूं, right? Mammals, terrestrial ecosystem and mollusks. और zooplanktons जो phytoplanktons को खाएंगे in the aquatic ecosystem, right? Secondary, man, cow खा लिया, goat खा ली, sheep खा ली, chicken खा ली, hen खा लिया, frog, insects को खा लिया, fox, right? Is that clear? Tertiary consumer, secondary carnivores that feed on primary carnivores. अगर fox को lion में खा लिया तो lion बन गया tertiary consumer. Screen blur नहीं है बेटा, अपना resolution check कीजिए. Saprotrons जो dead decaying material को खाएंगे, fungus and bacteria very important from MCQ. Omnivores में आता है cockroach और crow, ये भी MCQ point of view से बहुत ज़्यादा important है. Done, done, done. Yes, guys, PDF नहीं मिलेगा, class में notes बनाओ. लिखोगे क्लास में तो ही समझ में आएगा. राइटो, हार्ट्स ऑन माय स्क्रीन, एवरी सिंगल वन. इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एज इट इज, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट 100% एग्जाम में आएगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट एग्जाम में आएगा. इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जो काम करेगा. फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर को क्या कहेंगे? Ecosystem where living organisms interact among themselves and also do with the surrounding physical environment. Aas paas walon se bhi interact karenge aur apne se bhi interact karenge. That is called your ecosystem. Living organisms interact with themselves and also soil ke saath, climate ke saath, aas paas ke non-living physical environment ke saath bhi jab interact karenge, that is referred to as ecosystem. Stratification क्या होता है? Layers. सबसे नीचे घास लगी हुई, उसके ऊपर थोड़ा सा ferns लगी हुई, herbs shrubs, उसके ऊपर थोड़े herbs लगे हुए, उसके ऊपर normal trees, सबसे ऊपर बहुत ज़्यादा trees. This is canopy form कर लेंगे ऊपर. That is stratification. These are vertical layers. Vertical layers, height wise, सबसे ऊपर बहुत छोटी सी घास लगी हुई, फिर थोड़ी बड़ी फर्न लगी हुई, फिर श्रब्स लगे हुए, फिर हर्ब्स लगे हुए, फिर टॉल ट्रीज लगे हुए, फिर वेरी टॉल ट्रीज, फिर एमर्जेंट ट्रीज लगे हुए. एमर्जेंट ट्रीज, ये वर्ड यूज किया गया है आपके एनसीईआरटी में. तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन. अलग अलग लेवल पे इट इज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड द
stratification. This is very important MCQ. Ye jab vegetation dense hoti, you will not find it in grasslands, you will not find it in temperate areas. You will find vertical layers in ट्रॉपिकल एरियाज, जहां पर भी बहुत हैवी रेनफॉल है, बहुत डेंस है, वहां पर आपको स्ट्रैटिफिकेशन नजर आती है. ईच इकोसिस्टम हैज फूड चेन्स, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, इट हैज ट्रॉफिक लेवल्स, स्पेसिफिक फूड चेन्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं. मेरे बच्चों बता दो, यस मैम, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, स्पेसिफिक फूड चेन्स होते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप, अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास, लिविंग बायोमास कितना है, राइट, वॉट इज द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास. आप ये देख रहे हो, छोटू सा है ये, पर आप लिविंग बायोमास देख रहे हो कितना है. क्लोरोफाइटम, बल्बिल्स, ऑल ऑफ दीज आर बल्बिल्स. कैन यू सी द बल्बिल्स, इट्स अ स्मॉल लिटिल टॉर्टोइस. कैन यू सी ब्यूटिफुल बल्बिल्स, यस एवरीबडी, जस्ट सी दिस, वाओ, लिविंग बायोमास. सी हाउ मच ऑफ लिविंग बायोमास, एंड दिस इज टोल्ड बाय नासा, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स टू प्यूरिफाई एयर. So what is this called? These are all nothing but one and the same thing. What is it? It is the amount of living biomass which is there. Standing state, it is the amount of inorganic nutrients. Jo living hai wo standing crop hai. Living ko kya kahenge hum? Standing crop. Jo inorganic nutrients hai. Inorganic nutrients ko kya keh diya maine? Standing state. जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग स्टेट. इट टेंड्स टू वेरी फ्रॉम वन सीजन टू अदर, राइट. हो सकता है सॉइल वाटर में, हो सकता है जब वेजिटेशन डीकम्पोज हो रही है, जब डीकम्पोजिशन का सीजन है तो वो ज्यादा है. हो सकता है जब ग्रोथ हो रही है तो स्टैंडिंग स्टेट कम है. स्टैंडिंग क्रॉप इज अ लिविंग बायोमास, द इनऑर्गेनिक वन इज कॉल्ड द स्टैंडिंग स्टेट. इनऑर्गेनिक स्टेट, द लिविंग मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉप, लिविंग क्रॉप, इजी टू रिमेंबर. एंड ट्रॉफिक लेवल्स आपको पता होना चाहिए, स्ट्रैटिफिकेशन तो आपको पता है, एमर्जेंट कैनोपी आपको पता है, फोटोसिंथेटिक एफिशियंसी, ग्रीन प्लांट्स में कितनी एफिशियंसी है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके, इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेटिक एफिशियंसी. एक प्लांट में कितनी एफिशिएंसी है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके, इज रेफर टू एज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, राइट. कितनी सनलाइट, सेम प्लांट्स हैव मोर एफिशिएंसी टू ट्रैप सनलाइट, फॉर एग्जांपल शुगरकेन, शुगरकेन बहुत एफिशिएंट होता है सनलाइट को हमेशा ट्रैप करते हुए. अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइमरी प्रोडक्शन है. प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, कितना बायोमास, कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, एरिया और टाइम. तो कितने एरिया में, कितने टाइम में, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ. आई रिपीट, इन अ गिवन एरिया, कितने एरिया में, कितने टाइम में, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ. हार्ट्स ऑन माई स्क्रीन, हार्ट्स ऑन माई स्क्रीन, हार्ट्स ऑन माई स्क्रीन. प्राइमरी प्रोडक्शन इज द अमाउंट ऑफ बायोमास व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर एवरीबडी? इट इज नेवर, ऐसे रैंडमली नहीं लिखते हो, कितना मटेरियल प्रोड्यूस हुआ और कितने एरिया में था, कितना टाइम लगा. हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड इन व्हाट एरिया इन व्हाट टाइम इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी रैंडम वर्ड मत लिखना, एग्जाम में पूछेंगे. इन दिस मच एरिया, एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक साल में कितना मास प्रोड्यूस हुआ विल बी द प्राइमरी प्रोडक्शन. आई रिपीट, हो सकता है आधे स्क्वायर किलोमीटर में एक हेड मेट्रिक टन मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी प्राइमरी प्रोडक्शन उस एरिया की ज्यादा. इट हैज टू बी एरिया, इट हैज टू बी टाइम, एंड इट हैज टू बी द मास. रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, किस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है. अगर आ गया रेट, तो क्या आप आंसर में प्राइमरी प्रोडक्शन लिखोगे या आंसर में बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखोगे, बता दो मुझे. रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्शन करोगे या प्रोडक्टिविटी, ए या बी क्या लिखोगे रेट में. रेट इज द प्रोडक्टिविटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में से रेस्पिरेशन हटाकर जो बचता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और जिस फोटोसिंथेसिस के जो बनती है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो मैंने अपने लिए यूज किया वो रेट, और जो बच जाएगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बचेगी उससे मैं नया बायोमास बना सकती हूँ, जो एनर्जी बचेगी उससे मैं न्यू बायोमास बना सकती हूँ, और न्यू बायोमास का रेट ऑफ प्रोडक्शन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. न्यू बायोमास कम से कम 7 to 8 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बायोमास इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टेल मी.
It is the rate of formation of new biomass. नया बायोमास किस रेट पे प्रोड्यूस हो रहा है? इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी न्यू ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर कौन प्रोड्यूस करेगा? आप और मैं, कंज्यूमर्स. इज दैट क्लियर? एनीवन टेल वानी मैम टेलीग्राम आईडी. वानी मैम की टेलीग्राम आईडी है बायोटॉनिक फॉर नीट, बायोटॉनिक फॉर नीट. ये है मेरी टेलीग्राम आईडी, हिडन रहती है वरना मुझे 2 करोड़ मैसेज आ जाए. Right, I like to believe that I'm very famous. I'm just kidding. Right, तो एक compassion graduate at Dr. Vani, so that is it. बहुत fake account बन चुके हैं. कल मैं Facebook पे गई, बच्चों मेरे Facebook पे इतने account नहीं है, मेरा एक ही account है. 5 करोड़ account बने हुए, लोगों ने like किया हुआ है, share किया हुआ है, subscribe किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है. नकली Telegram पे group बन चुके हैं. नहीं 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 नहीं, yes, मतलब प्लीज एक ही अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ एक ही अकाउंट है. आज पता नहीं मैं फेसबुक पे यू बिन टैग्ड है, पता नहीं 15-20 दिन बाद फेसबुक पे गई, मैं तो परेशान ही हो गई. मैंने मतलब डर के मारे फेसबुक ही बंद कर दिया, इतने ज्यादा नकली अकाउंट, पता चलो वो पैसे पूछे तो नहीं मांगने लगे लोगों से. यस, और लोग पैसे दे भी रहे हैं. राइट, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. डन, इंपॉर्टेंट टर्म्स कर दिया हमने, स्टैंडिंग क्रॉप कर दिया, स्टैंडिंग स्टेट कर दिया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कर दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर. यस, आजकल मैं फेसबुक पर बड़ा देखती हूँ मेरे नाम से नकली पैसे वहां मांग लिए गए और बेचारे लोग दे भी दे. और अब तो मैंने वो नया चैनल बना दिया ना, वॉइस फॉर चेंज, वेयर आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सोशल कॉजेस. बहुत चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं शायद बहुत देर से बात करना चाहती थी, पर यहाँ पर मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहती, यहाँ पर मैं आपको बायो पढ़ाना चाहती हूँ. बट बहुत सोशल कॉजेज हैं हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन में, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिल के करीब हैं और जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टॉक अबाउट द कॉजेज विच आर वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. राइट, एंड आई हेल्प पीपल हु नीड. आई शुड बिकम द वॉइस for countless girls across the country. So I thought, let me start Vani the Voice for Change. पर ऐसा ना हो कि बोले मेरे को इसकी मदद करनी है, अब तो मैंने Vani the Voice for Change भी खोली है, लाओ पैसे प्लीज. ऐसा अगर आपको नकली कोई पैसे पुसे मांगे तो मत दे देना. यस, ऐसा कुछ नहीं, पता चला यार कुछ और ही हो रहा है. यस एवरीबडी, चलिए चले आगे. सो लेट्स कम टू द स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन. इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं. Right, steps of decomposition. तो बेटा जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है कुछ बता, आपको पता है पत्ते डीकम्पोज होते हैं. जैसे मैं अभी कल परसों यहाँ पर कुछ पत्ते थे मैंने निकाल के बाहर फेंका, सो इट नीड्स टू डीकम्पोज, इट नीड्स टू गो बैक इनटू द इकोसिस्टम. ऐसा कुछ है पत्ता, यू नो राउंड, सो इट नीड्स टू गो बैक. इसका क्या होगा? जो डीकम्पोज, जो खराब हो गया, जो सड़ गया, जो गल गया, वो मिट्टी में जाएगा. वापस क्या होगा इसका? Decomposition. It is physical and chemical breakdown. Physical क्या होता है? उसको तोड़ना, किसी के पैरों के नीचे जाएगा, कुचला जाएगा. It is a physical as well as a chemical breakdown of a complex organic material जो बनाया जाता है detritus with the help of organisms called decomposers. आपने कई बार सड़क पे, हाईवे पे देखा होगा, डॉग्स मर जाते हैं, थोड़े दिन बाद आप उस एरिया से जाओ तो वो डीकम्पोज बॉडी, उनकी स्मेल आती है, डीकम्पोज बॉडी वहां पड़ी. तो सर डीकम्पोजिशन सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी? इट इज द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल जिसको आप डेट्रिटस कहते हैं, डेड डिगिंग मटीरियल, एंड इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स. इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिटस, छोटे छोटे टुकड़े. फ्रेगमेंटेशन इज टुकड़े हो जाना, टुकड़े कौन करता है? अर्थवर्म्स उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं. किसी चीज को बनाना कहता है एनाबॉलिज्म, किसी चीज को तोड़ना कहलाता है कैटाबॉलिज्म. मैं हमेशा कहती हूँ कैट्स हमेशा बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह जंप करती है, जंप करने की वजह से सामान कई बार गिर जाता है. राइट, जैसे मेरे घर में एक बाहर दीवार है, दीवार में मैंने गमले रखे हुए, एक कैट आती है वो कूदती है तो मेरे हमेशा गमले नीचे गिर जाते हैं. कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन. इज दैट क्लियर एवरीबडी? राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन बच्चों. सो वो जो डीकम्पोज होगा, बैक्टीरिया करेंगे, फंगस करेंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर एक्सक्रीट करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे. इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटीरियल जो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपल सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटीरियल में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज रेफर टू अस कैटाबॉलिज्म. द ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. एंड गाइज, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पूरी बायो करवा दूंगी. यस अनुष्का, आई हैव टोल्ड यू, प्लीज वर्क ऑन योर फिजिक्स गाइज, प्लीज वर्क ऑन योर फिजिक्स. मेरी सिर्फ एक बात मान लो, वानी मैम की एक बात मान लो, वेदांतु का जो क्रैश कोर्स है वो बहुत अच्छा है. हर एक टॉपिक भले ही वो इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको बायोटेक तो ऐसे कराऊंगी ना, कितना टाइम हो गया हमें बायोटेक किए, मैं आपको रट्टे मरवा दूंगी बायोटेक के. राइट, कल एनटी का पेपर, आई विल डू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई विल डू एनटी पेपर्स, आई विल डू एवरीथिंग. प्लीज मेक श्योर दैट योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज अप टू द मार्क.
फिजिक्स और केमिस्ट्री कई बार अकेले घर बैठकर नहीं होती है, बिकॉज यू नीड डाउट सपोर्ट, यू नीड हेल्प, यू नीड टू गिव टेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सी द रिकॉर्डिंग्स. डोंट थिंक अबाउट द क्रैश कोर्स प्लीज, राइट? 8-10-15 रुपए एक दिन के लगते हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट. 6-7 हजार रुपए वर्सेस 70 लाख रुपीज. क्या पता एग्जाम डिले हो जाए बच्चों, और अगर एग्जाम डिले हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा टाइम है पढ़ लो. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन? सबसे पहले डीकंपोजिशन की डेफिनेशन, फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. दोबारा बोल रही हूं, फ्रैगमेंटेशन टुकड़े टुकड़े होना. कौन करेगा टुकड़े? अर्थवर्म. तोड़ना, कॉम्प्लेक्स चीज को इजी में तोड़ना, फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म. फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, उसमें से सामान बहकर मिट्टी में चले जाना. अर्थवर्म ने तोड़ देना. फ्रैगमेंटेशन, एंजाइम्स की वजह से कॉम्प्लेक्स चीज छोटी बन जाना. कैटाबॉलिज्म, जब उसमें से सामान बहकर बाहर निकल जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू वॉटर्ड प्लांट्स इन योर होम? कई बार हम पानी देते हैं, मिट्टी बह जाती है, देखा है? राइट? कई बार हमने पानी दिया है, मिट्टी बह गई है. So that is called as leaching. बह जाना, it flows away. It flows away. So soluble substances formed during decomposition are subjected to leaching. जहां वो बह जाते हैं, they pass to deeper layer of soil or ग्राउंड वाटर by percolating water. Percolating का मतलब होता है बह जाना. जो पानी बह रहा है, flowing water, वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर चला जाएगा. इट विल टेक द न्यूट्रिएंट्स अवे. लीचिंग, फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग. अगर आपने कभी भी घर में खेती करी है, गमलों में खाद भरी है, तो कई बार अगर आप खाद लेते होगे, आई यूजुअली गो टू माय मिल्कमैन्स हाउस और उनके घर से 2 बोरी या 3 बोरी गोबर की लेकर आ जाओ, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार खाद जो होती है वो बड़ी काली काली मोटी मोटी होती है. हैव यू सीन? इट्स वेरी थिक एंड फैट, इट इज डार्क कलर्ड, अमॉर्फस. ये डिग्रेड नहीं होती, डज नॉट डिग्रेड फास्ट, बहुत रेजिस्टेंट होती है. इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने पास रखकर इट डज नॉट डिग्रेड. पर ये वाली जो खाद होती है, ये अपने अंदर बहुत पानी सोख करती है, तो ये वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करती है, ये सॉइल के वाटर रिटेंशन को इंक्रीज. देखो बेटा, यहाँ हैंडमेड नोट्स बनाने वाली क्लास कम है, दिस इज मोर अबाउट दीज पॉइंट्स. ये हमेशा आपने देखा होगा, मेरे पौधे जब भी सूख रहे होते हैं, आपको मैं एक बहुत इजी तरीका का बताती हूँ. अगर आप सिर्फ मिट्टी डालोगे ना, अगर आपने कभी सिर्फ मिट्टी डाली है, मेरे को नहीं पता आप गार्डनिंग करते हो, खेती करते हो, नहीं करते हो, मैंने तो बहुत खेती करी अपनी लाइफ में, राइट? तो अगर आप सिर्फ मिट्टी डालोगे, वो सॉइल ब्राउन कलर की होगी और सुबह पानी दोगे, शाम तक सूख जाएगी, राइट? मैं कई लोगों के घर जाती हूँ, कई लोगों के गार्डन में जाती हूँ, सूखी सूखी मिट्टी, पता नहीं होता, शौक बड़ा होता है जी हमने बड़ा गार्डन पालना है, पर यू नो कभी कुछ किया ही नहीं होता, हाथों से किया ही नहीं. अगर सिर्फ मिट्टी डालोगे तो वो मिट्टी ऐसे ड्राई हो जाएगी. आपने सुबह पानी दिया, आप शाम तक देखोगे मिट्टी ड्राई. दैट इज वाई यू हैव टू मिक्स काउ डंग, यू हैव टू मिक्स वर्मी कंपोस्ट, यू हैव टू मिक्स ऑर्गेनिक मटीरियल इन टू द सॉइल. ये ह्यूमस का काम करते हैं, मिट्टी को काला रंग देगी. अगर सिर्फ सूखी मिट्टी होगी तो मिट्टी ब्राउन कलर की होगी. अगर आप उसमें ह्यूमस डालोगे, अगर आप उसमें काउडंग डालोगे, अगर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डालोगे, तो वो मिट्टी काले रंग की होगी और वो मिट्टी शाम तक भी पानी या नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखेगी. किसी के घर या दुकानों के बाहर जाना, आपने देखा होगा, वो ब्राउन कलर की मिट्टी होगी और शाम तक ऐसे क्रैक्स बन जाएंगे सॉइल में, इतनी सूख जाएगी. इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस. ह्यूमस हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन. इट इज रिच इन सेलुलोज, इट्स रिच इन लिग्निन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट होल्डिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज, लिग्निन, फॉर वाटर होल्डिंग. एंड इट गोज डीकम्पोजिशन एट अ वेरी स्लो रेट. इट होल्ड्स न्यूट्रिएंट, इट डज नॉट डीकम्पोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेगमेंटेशन बाय अर्थवर्म्स, कैटाबॉलिज्म बाय एंजाइम. If the nutrients go down, they flow away. That's leaching, humification, and last, when you break down, जब आपने finally इसको तोड़ दिया, टुकड़े 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 कर दिया, that's mineralization. Humus is further degraded by some microbes and release of the inorganic nutrients. This takes years. It does not happen 1, 2, 3, 4, 5 days. It takes years.
for the microbes to degrade it down. कभी time को I take you to the backyard, I have a small little composting pit जहाँ मैं पत्ते और compost घर पे बनाती हूँ पत्तों से, right? So it takes years, 6-8 महीने, 10 महीने लगेंगे and the microbes will release all the inorganic nutrients by the process of mineralization. These minerals will be added back into the soil. So what are the first parts? First is fragmentation by earthworms, then is catabolism जिसमें breakdown होता है enzymes की वजह से, बह जाना न्यूट्रिएंट्स का कहलाता है लीचिंग, ह्यूमस जो इनऑर्गेनिक होता है और जो बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स को फ्लो नहीं करने देता, राइट, होल्ड करके रखता है, फाइनली मिनरलाइजेशन. चलिए अगले स्टेप्स पे चलते हैं. तो यही आपका एग्जाम में दिया हुआ है. ट्री होगा, राइट, सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स. सबसे पहले क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन, राइट, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल. फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म. उसके बाद क्या होगा? लीचिंग, राइट. ये अर्थवर्म वगैरह क्या कर रहे हैं यहाँ? फ्रेगमेंटेशन, माइट, फंगाई वगैरह. एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? लीचिंग. फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग. जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको ह्यूमिफिकेशन कहेंगे. और जब फाइनली वो सारा बैक्टीरिया में चला जाए, बैक्टीरिया तोड़ देंगे और वो मिट्टी में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन. आ गया समझ में? सो देयर इज फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, देयर इज लीचिंग, देयर इज मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन. मेंटी आने वाला है, टेंशन ना लो. गाइस गाइस गाइस, हैव यू ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक? हैव यू ऑल लाइक? हैव यू ऑल शेयर? हैव यू ऑल सब्सक्राइब्ड? पक्का? Yes, do I see that energy flow? देख ले एक बार. The energy of the ecosystem is constant. क्योंकि energy के neither be created nor destroyed. Energy तो उतनी रहेगी. Plants only use 2-10% of the photosynthetic active radiation. और सिर्फ 2-10% use करके पूरी सृष्टि चलती है. तो solar energy का plants सिर्फ 2-10% use करते हैं. और सिर्फ इतना यूज करके पूरी सृष्टि चलती है. सबसे पहले हैं आपके प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, धूप की एनर्जी को, और प्रोड्यूसर्स इसे ट्रैप करके इसे केमिकल एनर्जी में बनाते हैं. तो फोटोन के फॉर्म में आपकी सोलर एनर्जी आती है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है C6H12O6 में. यस और नो? राइट. तो आपकी जो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी आएगी, बैग्स के फॉर्म में, प्रोड्यूसर्स उनको C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं. फिर आएंगे आपके कंज्यूमर्स, जो गोट है. ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. प्राइमरी जैसे गोट, सेकेंडरी जैसे हम, राइट, और टर्शरी जैसे कि लायन. ग्रेजिंग फूड चेन्स, ग्रेजिंग फूड चेन्स होती है. आपने ग्रेजिंग फूड चेन सावाना के ग्रास में, मेरा बड़ा शौक है, किस दिन थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा कमा लो, उसके बाद अफ्रीका जाओ. एंड यू नो, मे बी इन केन्या. आई हैव नेवर बीन टू केन्या. आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू केन्या. एंड सी, मसाई मारा इज वन प्लेस वेयर आई वांट टू गो. आई वांट टू गो टू वन प्लेस, वन अदर प्लेस व्हिच कॉल्ड मैडागास्कर. हैव यू हर्ड ऑफ मैडागास्कर? सो आई थॉट आई विल गो टू, वेयर डिड मिस्टर डार्विन गो? Darwin went. It's very expensive. I never thought it's going to be so expensive. I really want to go to which islands? Madagascar movie. No, I really want to go to the real Madagascar. So that's on my mind. I want to go to Madagascar. I want to go to Masai Mara, and I want to go to Galapagos. But Galapagos is very expensive. I did the entire thing. It's like you know, people go to all these touristy places. I don't really want to go to Europe, and maybe, yeah, you go to Europe, it's fine, it's nice, but I'd rather go to Madagascar. I really want to go. I want to go to Kenya. I want to see Masai Mara. I want to go to Galapagos. I want to see those giant tortoises. It's really on my like to-do list. And I want to go to Japan. I want to see Fujiyama and Kilimanjaro. So yeah, Fujiyama is on my Niagara Falls, okay, but I really want to go to Mount Fujiyama. So yeah, Tokyo and Mount Fujiyama. Tokyo for technology. I really have become a big fan of technology. I want to go to Tokyo to see, you know, they're world leaders when it comes to technology. I want to go see that. And I want to go to Galapagos and Masai Mara for sure. So let's see if I ever go to Masai Mara. California, okay. They're all regular tourist places, right? Everybody goes to California. Everybody goes to New York. But Fujiyama, yes, I want to see that. I want to see Masai Mara, to 100%. I want to see the real grazing food chains are very, very famous. Right? And I want Las Vegas. No, not my target.
I'm not the Las Vegas type. You know me, right? I'm not not the types to enjoy Las Vegas. More of the types to enjoy Madagascar. Yes, chale, cradle of humankind. Yes, absolutely. Yay. Okay, chale. So someday if you have enough money, I'll take you one big ship like the Noah's Ark and we'll all go. But aa jao. Yes, so grazing food chain is when you see Discovery Channel. You know, when you see these wildebeests and when you see these meerkats and when you see these antler wale deers, that's the ideal grazing food chain. Right? When you see meerkats, when you see wildebeests, that's your ideal grazing food chain. Energy in the lowest trophic level is derived from photosynthesis, grasslands and grasslands and grasslands. It extends from producers through herbivores to carnivores. Right? Chali. Detritus food chain ulta ho jayega. It begins with the dead organic matter to the detritivores, organisms, which in turn make food for the protozoan to carnivores. So, chote chote animals aayenge, fungus aayenge, wo inko khayenge. Right? And carnivores also. Have you seen hyenas? Have you seen hyenas? Again, Masai Mara. Hyenas and hyenas and hyenas and so many hyenas. Yes, everybody. Done. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic materials. So, ye dead or waste ko break down karke simple organic material aur fir uske baad ye jo simple organic material hota hai ye absorb kar liya jata hai. Ye mitti mein bhi baith jata hai. Ab ye bada important law hai. Transfer of energy from one trophic level to another is just about 10%. So, producer se primary consumer kitni energy jayegi? Only 10%. तो अगर यहाँ प्रोड्यूसर के पास 100 है इनके पास सिर्फ 10 जाएगी. प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर कितनी जाएगी? सिर्फ 10. सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर कितनी जाएगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज द रूल ऑफ 10. ओनली 10% ट्रोफिक लेवल. अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच द फूड चेन इज नोन एज देयर ट्रोफिक लेवल. राइट? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. क्या ट्रोफिक लेवल है? कौन सा ट्रोफिक लेवल ऑक्यूपाई किया है? फूड चेन एक होगा, सिंगल लीनियर. अगर आपने उसको मिक्स कर दिया, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरकनेक्ट है जिसकी वजह से वो स्टेबल होगा, दैट इज रेफर्ड टू एज द फूड वेब. यस, लिंडमैन्स रूल ऑफ 10. इट इज कॉल्ड द लिंडमैन्स रूल ऑफ 10. ओके ओके परफेक्टो. कैन वी मूव अहेड? ऑसम द ब्लॉसम. चलो लेट्स मूव अहेड. ये देखिए आपका. सो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स फाइटोप्लांक्टन इन एक्वेटिक सिस्टम ग्रास ट्रीज. प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लांटन. अगर फाइटोप्लांक्टन होगा तो उसके ऊपर जू प्लांटन, ग्रास, ग्रास हॉपर, काउस, फाइटोपे जू. राइट? हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, बर्ड, फिशेस, वुल्फ आपके हो गए थर्ड लेवल, और टर्शरी एपेक्स टॉप ऑफ द फूड चेन पे मैन और लाइन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. एनी डाउट्स? लेट्स रेस अहेड. एक सेकंड गाइस. चलिए चले. ये भी देखिए आप. एट एवरी लेवल आर यू रिमूविंग हीट? एट एवरी लेवल इज इट रिमूविंग हीट? राइट? मेंटी आ रहा है बेटा. तो आपने सन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स कंज्यूम किया, हीट रिलीज की. राइट? इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट को बर्ड ने खाया, बर्ड को वल्चर ने खाया. राइट? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. और हीट भी कर रहे हैं. फाइनली ये जब सब मरेंगे, ये बेचारे जब सब मरेंगे, इट विल देन ऑल्सो बी स्नेल्स एंड स्लग्स एंड द डेड डिकम्पोजिंग मटीरियल. हीट इज रिमूव्ड. यस सिमरनजोत, हीट इज रिमूव्ड एट एवरी ट्रॉपिक लेवल. ये आपके एनसीईआरटी का पेज है. ठीक है? पिरामिड. अब ये देखो, बहुत अमेजिंग कर दिया. ये देखो. यस, सबसे पहले आ जाओ पिरामिड ऑफ नंबर. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीनों मैंने एक में डाल दिए हैं. इसके बाद कभी कोई टेंशन ही नहीं होगी. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं? अपराइट होता है ग्रासलैंड में, इन्वर्टेड होता है पैरासाइट में, स्पिंडल होता है फॉरेस्ट में. मचा दो हाथ. चलो. राइट? अपराइट होता है ग्रासलैंड
ग्रासलैंड में, इन्वर्टेड होता है पैरासाइटिक फूड चेन में, और स्पिंडल शेप्ड होता है फॉरेस्ट में. तीनों एमसीक्यू आए हैं. नंबर हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं पर यूनिट एरिया, हर एक पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं. अपराइट होगा ग्रासलैंड में, इन्वर्टेड होगा पैरासाइट में, और स्पिंडल शेप जो होता है वो होता है आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम. बायोमास, टोटल बायोमास सीक्वेंस में कितना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रोड्यूसर में कितना है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में बायोमास कितना है. बायोमास ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट हमेशा अपराइट होगा, पॉन्ड में उल्टा होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंकटन का बायोमास नहीं होता, बड़ी फिशेस का बायोमास होता है. तो यहां पर उल्टा और यहां पर अपराइट, फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में अपराइट होगा और पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होगा. यस और नो ऑन माई स्क्रीन, मचा दो बच्चा, चलो 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 चलो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो प्रोडक्टिविटी, इट इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी कभी वापस नहीं आती है, इट इज ऑलवेज अपराइट. इज दैट क्लियर? राइट जी, अंडरस्टूड एवरीबडी? सो डिड यू अंडरस्टैंड ऑल थ्री ऑफ देम? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? कुमार सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, बायोमास, राइट? पिरामिड ऑफ नंबर, टर्शियरी कार्निवोर्स आर ओनली थ्री, फाइव, वन, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 58 लाख, 42,000 प्रोड्यूसर्स, 70 लाख, 7 लाख, 8,000 प्राइमरी कंज्यूमर्स, 3,54,000 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर इज जस्ट 3, राइट एवरीबडी? बायोमास. ड्राई वेट इज ऑलवेज मेंशन इन केजी पर मीटर स्क्वायर. दिस इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, number of individuals. Dry weight in biomass is always mentioned in kg per meter square. Pyramid of biomass shows a steep decrease in higher trophic levels. Higher trophic level pe kam hai, 1.5 kg per meter square, 809 kg per meter square in producer level. Inverted pyramid of biomass. Producers are phytoplanktons, they are light. The fishes are going to be heavy. Inverted pyramid, page number 245 of your NCRT. Is that clear? Yes, come on guys, every single one, I want you to make sure that you like, that you share, that you subscribe, you become a part of We Biotonic. Yes, show your love and support guys. I always tell, this channel needs your love, this channel needs your love, this channel needs your love. Yes, chale. Chale aage mere bachcho. Okay. Sunlight, it is always energy, is only 1% of the energy in the sunlight is available to the plants in the net primary productivity. Ecological succession karwa dete. Succession kya hota hai? Hamesha aage 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 chalta rehta hai. Right? Ecological succession. Right everybody? Done? Aur sirf ek hi jagah hai jahan pe succession ka to mujhe lag raha hai bada fun. Yaar main kisi ko bula ke le aao, matlab mere ko to pata hai, main na Vedant, ek sach baat batao, dil ki baat. Chalo ab tum logon se kya chupana. तो वेदांतों में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, मुझे कहते हैं मैम हमें बायोटॉनिक पे आना है, मैम हमें बायोटॉनिक. तो मैं हमेशा लोग कहती हूँ आ जाओ. मैंने कहा मैंने अपने लिए नहीं बनाया है चैनल, मैंने वेदांतों के लिए बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है. मैं अपने लिए, अपने नेम और फेम के लिए चैनल थोड़ी ना बना दिया मैंने, राइट? तो मैंने कहा आओ यार, आपको जिसको आना है, इनफैक्ट मैं लोगों को बोलती हूँ आप आओ, जिसको आना है आप आइए चैनल पे, आइए, ये आपका चैनल है, आइए. पर जब भी कोई और टीचर पढ़ाने आता है, ये निकम्मे नालायक बायोटोनियंस क्लास ही नहीं लगाते. और वो टीचर पता है मुझे क्या बोलते हैं, मैम यार ये तो गलत है, ये बच्चे चाहते हैं आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाओ, किसी को बुलाओ, 200-300 ऐसे, मतलब इतने निकम्मे नालायक बायोटोनियंस हैं ये. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ना पीछे से घूस खिला दी है, मेरे अलावा किसी की क्लास में मत आना, मतलब इतने शैतान है ये, इतने. तो बेटा सक्सेशन तो मतलब एक नॉर्मल चीज है ना, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं. और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ जो मैंने फाउंडर से सीखी है, आनंद सर से सीखी है, वंशी सर से सीखी है, पुलकित सर से सीखी है, वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि हमने वेदांतों ऐसा बनाया कि हमसे बड़ा होना चाहिए, इट शुड आउटलिव अस, कल को हम रहे ना रहे. मैं कोविड देख के कहती हूँ, आज सुबह की बात है यार, यू नो दैट डॉक्टर के अग्रवाल, ही वाज द हेड ऑफ एमसीआई, एंड कितने मतलब हास्य वाले वीडियोस बनाते थे, कितने मजेदार वीडियोस, कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपने देखे होंगे डॉक्टर के अग्रवाल, राइट? ही वाज द एमसीआई हेड, 10 दिन से एम्स में ही वाज देयर इन एम्स, एंड टुडे मॉर्निंग ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट? सो लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा बनाया कि कल को वाणी मैम रहे ना रहे, राइट, एटलीस्ट
कुछ तो देर इज सम कम्युनिटी ऑफ पीपल एंड दैट्स द सेम थिंग व्हिच आई वांट टू डू विद वाणी द वॉइस फॉर चेंज. आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, क्योंकि हमेशा इंडिविजुअल में कभी स्ट्रेंथ नहीं होती है, कम्युनिटी में स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, हम सबके आइडियाज में स्ट्रेंथ होती है. तो कल को यू डोंट नो, आई यू नो आजकल टाइम्स ऐसे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, लाइफ का भी कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो आई एम लाइक यार एटलीस्ट वी हैव मेड दिस कम्युनिटी, ये बच्चे हैं, यू नो समबडी विल टेक ओवर बायोटॉनिक, कोई आएगा कोई करेगा. यस कुछ तो, अरे डोंट से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जनरली बोल रही हूँ, भगवान खून चूसू बच्चे अब बस देखो. राइट, जनरली इट इज जस्ट अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट वी हैव मेड टुगेदर. राइट, सो व्हाट आई वांट टू से थ्रू दिस इज दैट, ये देखो ये भी तो नेचर का ही तो रूल है ना, नेचर का ही तो रूल है कि यार सक्सेशन, कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर हैज टू हैपन. राइट, तो मेरे को बहुत लगता है कि बहुत चीजों में मुझे बात करनी है, स्किन कलर पे बात करनी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे बात करनी है मुझे, सेक्सिज्म पे बात करनी है मुझे, एलजीबीटी पे कई बार मन करता है बहुत बात करने का. इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास अभी तक कंप्लीट कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बोल सकूँ, आई एम नॉट इक्विप्ड. बट बहुत चीज़ें हैं जिनके लिए शायद हमारी सोच छोटी है, पर हमें उनके बारे में बात करना ज़रूरी है बच्चों को. राइट, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी बनाएंगे ना, एक 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 विचारों की कम्युनिटी बनाएंगे, इंडिया के बारे में बात करनी है, पेट्रियोटिज्म के बारे में बात करनी है ना, तो फिर तो काम बढ़ेगा ना आगे. तो तुम लोग कोई आता है ना तो आ जाया करो क्लास में यार, मतलब तभी तो ये सिर्फ वाणी नहीं है, वाणी इज, मैं हमेशा कहती हूँ कार्यकर्ता, जस्ट वन वर्कर, वन पर्सन इज देयर एट द बैक स्टैंडिंग एंड पुशिंग, बट दिस इज आवर कम्युनिटी, दिस इज ऑल ऑफ अस टुगेदर. यस राइट, दिस इज अस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं हमेशा जब तक काम करूंगी वेदांत के साथ ही काम करूंगी. बट हाँ यार, हम सबको एक कहते हैं ना, एक मुहिम चलानी है, एक चेंज लाना है, एंड वी हैव टू बी द चेंज विच वी विश टू सी इन द वर्ल्ड, देन थिंग्स विल चेंज. राइट, तो सक्सेशन इज अ नेचुरल फिनोमेनन, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन. एक के बाद एक सक्सेशन होगा, सक्सेशन नेचर. मैं नहीं जा रही कहीं, मैं नेचर के सक्सेशन की बात कर रही हूँ मेरे बच्चों, आठ बना दो. यस, सक्सेशन नेचर में होता है, यहां नहीं होगा, बायोटॉनिक में कोई सक्सेशन नहीं होगा. डन, हैप्पी. भाई अगर फिलोसफी बात कर दी है बच्चे वालों के गजब, मतलब यार मैं फिलोसफी भी नहीं मार सकती. डन, आ जाओ. नेचर के सक्सेशन की बात कर रही थी, बायोटॉनिक में कोई सक्सेशन नहीं होने लगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन, नेचर करता है सक्सेशन, हम नेचुरल नहीं है. ठीक है, हम एलियंस हैं, तो हमारे अंदर कोई सक्सेशन नहीं होगा. ठीक है, अजब भी बच्चे हैं मेरे, चलो आ जाओ. इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, हम मार्स से आए हैं, हम मार्शियंस हैं, हमारे अंदर कोई सक्सेशन नहीं होगा, हम एलियन है, जादू गाएंगे हम, चलो आओ. इन द स्पीशीज हम हमारे अंदर नहीं होगा, बायोटॉनिक इज मार्शियन, मार्स से आए हम सारे प्रजाति. यार अगर सक्सेशन की बात ना, जो सेंटी हो जाते हैं बच्चे भी. यस, आइए. It is the process of changes in the species structure of ecological community over time. सबसे पहले जो आई थी primary community, इनको pioneer कहते हैं, इन्होंने start किया pioneer. Like मैं हमेशा कहती हूँ 2020 types, 2019 is like the pioneer community of V biotonic primary colonizers. इसमें सबसे पहले आते हैं lichens. इन्होंने ये जो है, तब तक सॉइल भी नहीं थी, इन्होंने पेडोजेनेसिस किया, देयर वाज नो सॉइल, तो इन्होंने बेयर रॉक पे कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू की. इसके बाद आती है सेरल स्टेजेस. क्या आती है? सेरल स्टेजेस. तो अगर पानी में सक्सेशन हो रहा है, हाइड्रोसेरे, अगर डेजर्ट में सक्सेशन हो रहा है तो जीरो सेरे. तो पायनियर के बाद हमेशा क्या आती है? सेरल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी, सेरल स्टेजेस. पानी में ट्रांजिशन हो रहा है, हाइड्रोसेरे. डेजर्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, जीरो सेरे. और फाइनली जैसे हम हैं, शायद हमारे बाद भी तो कोई आएगा, हमारे बाद जो आएगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी, हम सुपर ह्यूमन आएंगे. राइट, फाइनल जो होगा एट द एंड ऑफ बायोटिक सक्सेशन, परफेक्ट हार्मनी विद द एनवायरनमेंट. अब हम परफेक्ट हार्मनी में नहीं है, वी आर नॉट इन परफेक्ट हार्मनी, दैट इज व्हाई नेचर हैज टू रिस्पॉन्ड. हमने बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है नेचर का. ये कौन है भाई जो बनी बनाता जा रहा है? मैम स्क्विरल कहाँ है? बेटा स्क्विरल जो है ना वो गॉड के पास है. शी पास्ड अवे और ही पास्ड अवे, आई थिंक इट वाज अ बॉय, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम टेल. बट आई थिंक आई ओवरफेड विद दैट इंजेक्शन एंड द स्क्विरल डाइड द नेक्स्ट डे.
right? I think it had injured an eye also. I really tried to care, but the squirrel is not there. Okay? Done? So we start with ecological succession. We start with primary community. We start with several stages, and we finally come to the climax community. Now, primary succession वहाँ पर होता है, ये दो बहुत important है, जहाँ पर कभी भी soil नहीं थी, जब earth start हुआ, from the beginning, without any soil, no soil, that is called as primary succession. Secondary कहाँ होगा, कहीं पर volcanic eruption हो गया, मिट्टी तो थी ना, मिट्टी तो थी, अब लावा पड़ गया, कहीं पर जंगल में आग लग गई, कभी तो मिट्टी थी, अब आग लग गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे साइक्लोन आ गया, that is called the secondary succession, जहाँ पर existing living matter था, राइट प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटा था सॉइल था कोई सीड होगा जहां पर कुछ नहीं था वो है प्राइमरी सक्सेशन जहां पर मिट्टी थी क्या पता उसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो गया क्या पता वहां पर फ्लड आ गया क्या पता वहां पर अर्थक्वेक आ गया क्या पता वहां पर यू नो कोई साइक्लोन आ गया दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सक्सेशन जो पानी में सक्सेशन होगा इट इज कॉल्ड द हाइड्रोसेरे जो डेजर्ट में सक्सेशन होगा जीरो सेरे तो पानी का सक्सेशन कैसा होगा सबसे पहले होंगे मिट्टी में रूट वाले मिट्टी में पानी वाले पानी और वो पूरे सबमर्ज पर पानी 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 है फिर फ्लोट करने लगेंगे रूट है पर फ्लोट करेंगे फिर फ्री फ्लोटिंग करेंगे जैसे कि आपका पिस्टिया फिर रीड दलदल दलदल फिर मार्श और सेज थोड़ी थोड़ी मिट्टी ज्यादा बढ़ेगी फिर हल्के हल्के लकड़ी आएगी राइट वुडलैंड स्टेज थोड़ी थोड़ी जाके लकड़ी आएगी और फाइनली क्लाइमैक्स क्लाइम फॉरेस्ट बन जाएगा तो सबसे पहले सबमर्ज प्लांट रूटेड सबमर्ज फ्लोट करेंगे फ्रीली फ्लोट करेंगे रीड स्वैम्प दलदल करेंगे मार्श एंड फाइनली वुडलैंड स्टेज जीरो सेर होगा आपके डेजर्ट में जहां पे कुछ भी नहीं था डेजर्ट रॉक्स इनमें क्या होगा सबसे पहले वो लाइकन होगा जो इसके ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगा जैसे अगर मैं डोसा बनाती हूँ आपको पता है वानी मैम तो इंटरनेशनली कूल कुक है आपकी वानी मैम के पास मिशलिन 5 स्टार है आपको पता है दुनिया के सबसे अच्छे शेफ्स जैसे वो विकास खन्ना जिनका शो आता है उनके पास मिशलिन 5 स्टार है वो मिशलिन स्टार होते हैं आपको पता है मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट जैसे मैंने कभी किसी मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया बट मेरा बहुत एम है कि मैं मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाऊं राइट वो भी कर लेंगे किसी दिन बट आपको पता है कि मेरे पास उनको मिशलिन स्टार होते हैं मेरे पास मिशलिन रेस टू पावर इंफिनिटी रेस टू पावर स्टार इंफिनिटी है डू यू नो दिस आप भी क्या जानो अदरक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यस डन मेरे लंबे काले सीधे बाल और मिशलिन 5 स्टार यस सी दो चीजें स्ट्रेट सिल्की हेयर किसी के पास नहीं कोई भी नहीं कह सकता आपको पता मुझे रोज शैम्पू किया जाते हैं काले घने सुनहरे बाल मैं कहती हूँ नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता मतलब बहुत वेन है देखो अपनी ब्यूटी की तारीफ नहीं करनी चाहिए बहुत वेन लगता है मुझे यस ऐसे नो 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 मैं तो वाणी का वॉइस को चेंज ला रही हूँ मेरे को ऐसे ब्यूटी की तारीफ नहीं करनी है कहते मैम प्लीज आ जाओ आप अपने बाल सिर्फ ऐसे ऐसे करो मैं ओके काले घने लंबे सुनहरे बाल ठीक है यस सुनहरे काले घने लंबे सिल्की स्ट्रेट राइट करते ना बचपन में एड देखते कितनी गलत है यार ये एड हम जैसों के दिल पे क्या बीतती है कभी इन्होंने सोचा ऐसी एड बनाते हुए स्ट्रेट सिल्की बाल कभी सोचा हम जैसों के दिल पे क्या बीतती है कितनी गलत बात है मैं छोटी थी अब तो मैं बड़ी हो गई और मेरे थॉट प्रोसेसेस बहुत अच्छे हो गए एंड आई डोंट केयर बट जब मैं छोटी थी मुझे लगता था हाय राम मेरे साथ तो भगवान ने बहुत ही अत्याचार कर दिया है ना बता दो यस और नो मतलब मैं बचपन में मुझे लगता था कि तो मेरे साथ तो अलग ही अत्याचार हो गया यार ये ऐसे ऐसे करते हो भाई वानी तुमने तो पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे जो तुम्हें ऐसे बाल मिले इस जन्म में Yes, but that's so wrong, yeah. You should celebrate diversity. Why can't we celebrate diversity? बहुत देर तक मुझे लगता था. And you see, we all have these spots on our noses. We all have these under eye dark circles. फिर हम बचपन में मैगजीन के कवर खोलते थे वहां तो लोगों के मुंह में कुछ होता ही नहीं था वो तो एक टोन हमारी स्किन हाँ वो शेड कार्ड होता है ना जो शेड कार्ड जिसमें 15 शेड्स होते हैं हमारी स्किन पे तो वो सारे शेड कार्ड होंगे यहाँ एक शेड यहाँ दूसरा शेड यहाँ तीसरा शेड यहाँ चौथा शेड यहाँ पांचवा शेड यहाँ नौवा शेड और इन लोगों के मुंह में तो एक शेड तो बचपन में मैगजीन को तो यार ये तो भगवान ने मतलब घोर पाप किया ये तो ये अलग ही प्लैनेट से निकले बिकॉज देयर फेस इज 1 शेड आवर फेस इज 20 शेड्स राइट
were like, oh my god, what is this? And you all have face, you know, you all have hair on the face, it's absolutely fine. But they don't have any hair on the face, and they don't have any spots on the skin. They don't have any curly hair, this silky hair. And then I thought, what is this, man? What is this? This is ghoul, injustice, right? But anyway, and then people cook like this, and you know, if you have a superstar, what is that? Australian Master Chef, open. I will forget to make Maggie. Ghoul injustice. Oh, what is this, man? Yes, I can just do like this and Maggie. This is ghoul injustice to normal citizens like you and me. Right? That's okay. That's life. And we need to celebrate diversity. The most important thing is we need to celebrate who we are in our diversity. Right? We'll do that. Never mind. Aaga ye menti bhi aane wala hai. So, sabse pehle iske upar chipkega like that is called crust. So, mere baat kahan se aayi? Crust is how Vani ma'am makes dosa. If you look at other people, they make dosa. How Vani ma'am makes dosa? Nobody's looking. Nikal bhai dosa. Oil. Still dosa is not coming out. Right? How everybody else, how many people make dosa? How Vani ma'am makes dosa? So that is crust. That is crust, the first stage. When dosa and tawa have a symbiotic relationship. Right? My dosa and tawa have a mutual symbiotic relationship. That is crust. Fir wo thoda, thoda, thoda patto ki shape vagera leta hai, folios. Fir thoda hang karta hai, fruity cores. थोड़ा बड़ा होता है पत्तों की शेप लेता है फोलियज फोलियोज फिर थोड़ा हैंग करता है फ्रूटी कोज फिर मॉस बनते हैं फिर हर्ब्स बनते हैं फिर श्रब्स बनते हैं फिर फॉरेस्ट बनते हैं राइट एवरीबॉडी सो दिस इज अबाउट वाटर फाइटोप्लांक्टन्स सबमर्ज रूटेड प्लांट्स सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक पिस्टिया राइट देन यू हैव द स्क्रब नो देन यू विल हैव द रीड स्वैम्प स्टेज ठीक है थोड़ा थोड़ा दलदल मार्श मेडोज प्रॉपर दलदल एंड स्क्रब देखो पेड़ पौधे हो गए एंड देन फाइनली यू विल हैव अ फॉरेस्ट लेट्स क्विकली डू द साइकल्स और व्हाट वी कैन डू इज वी पिक अप द बायोजियोकेमिकल साइकल्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो ही साइकल्स करानी है एंड मेंटी क्विज इन द नेक्स्ट क्लास डन आई विल गेट 30 क्वेश्चंस फॉर मेंटी क्विज ओनली ऑन इकोसिस्टम इन द नेक्स्ट क्लास डन 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 यस एवरीबॉडी ओनली एंड ओनली मेंटी क्विज बट गाइस मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना नहीं सीट आएगी नहीं सीट आएगी नहीं सीट आएगी आई ट्राई टू कीप योर मोरल हाई आई ट्राई टू टीच यू एवरीथिंग इन बायो हर कुछ कर लेंगे ये दोनों आपकी नैया को डुबो देंगे इफ यू आर फ्लोइंग लाइक दिस आराम से ये हो और ये बायो का चप्पू चला रहे हो ये बैठे हो यहां पर एक लाइट हाउस है वानी मैम वहां से लाइट मार रही है और यहाँ पे दो मॉन्स्टर आ जाएंगे और वो मॉन्स्टर है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैं यहां से बोलती रहूंगी लाइट मारती रहूंगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ सीट योर असिस्टेंट यू विल नेवर बी एबल टू रीच प्लीज मेक श्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर रहे हो 682 670 660 उसके बिना नहीं आएगा The latest crash course I've added 120 sessions with unlimited doubts, especially physics chemistry ke subah se leke raat tak jitne marzi doubt poocho. Har chapter ka maine bola hum physics chemistry mein summary karayenge, concepts karayenge, formulas karayenge, previous year questions karayenge. Need prediction test series karayenge. 17th May se start ho chuka hai naya course. I will also add new courses onto this, but please go get the course. Right? Doubts. रिजल्ट्स हमने प्रूव किए उसी उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री विल टीच यू हर संडे टेस्ट मंडे टू सैटरडे आपका क्लास 4 to 5 hours ऑफ क्लास डेली अनलिमिटेड डाउट्स कोड आपका वीडी नीट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है 240 hours ऑफ क्लासेस पता है आपको 240 घंटे 60 hours ऑफ टेस्ट 60 hours ऑफ टेस्ट डिस्कशन अनलिमिटेड डाउट्स 11th PCB 12th PCB डोंट मिस दिस मेंटी तो मैं अगली क्लास में आपको करवाई दूंगी एक बार आपको लिंक जरूर दिखा देती हूँ मैं तो आप क्लास में अगर जाओगे आप बस यहां चले जाओ दिस इज द लिंक 24th मई को मंडे को 23 संडे पड़ रहे 24th आई एम रीस्टार्टिंग वन मोर क्रैश कोर्स हर हफ्ते मुझे शुरू करना पड़ रहा है बिकॉज सो मेनी पीपल वॉन्ट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स प्लीज गो गेट योर सीट्स बिफोर यू गेट लेट Everybody studying boards के लिए बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया बट क्रैश कोर्स के लिए बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं
go study. Click on this buy now. Apply the code VDNEET and aa jao aap regular classes mein. Done? Don't miss this. This is very important. So your classes, aap test doge to hi to pata chalega. Do questions solve kar rahe ho aap chemistry mein. Ek question physics mein. Kahan se aayenge number? राइट right? कल तो मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी, आज मेंटेन ही, कल एमसीक्यूज कराने के बाद आई विल टेक. कहां से आएंगे नंबर गाइस? तो क्रैश कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप पढ़ तो सको. इतने सारे मैंने आपको टेस्ट देने हैं. दिस इज हाउ यू विल स्टडी इन द क्लास. दिस आर रेगुलर क्लासेस. यू स्टडी लाइक दिस. आस्क योर डाउट्स लाइक दिस. मेक श्योर दैट एवरी सिंगल डे यू आर गिविंग टेस्ट, लीडर बोर्ड, स्टडी, डाउट्स, इतने सारे क्विजेस इन अ सिंगल क्लास. प्लीज स्टडी. Go to the description box, apply the code VD and see you at 5 o'clock for respiration. Bye guys, take care. Ye 24th wale pe click kar lo aur buy now karke aa jao. Yes, so bye.